खबर छुपी लाइव आपकी खबर पेज ऐसा। बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में आबकारी और पुलिस विभाग की मिलीभगत से अवैध शराब का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। वैसे आज कार्यवाही के दौरान 4000 क्विंटल लहन व 100 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया और दो अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी आबकारी विभाग ने की है। आबकारी विभाग व स्थानीय पुलिस और शराब कारोबारियों की तिकड़ी के चलते शराब का कारोबार बंद होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस अवैध कारोबार पर अंकुश लग जाए तो सरकारी राजस्व का दोगुना तिगुना फायदा हो सकता है। कई सरकारी दुकान पर नकली शराब का मामला सामने जिले में आ चुका है, लेकिन उसमें भी विभाग द्वारा लीपापोती कर दी जाती है। आबकारी विभाग जितना दोषी है उससे कम पुलिस विभाग नहीं है। जानकारों का मानना है कि अवैध शराब के इस कारोबार की जड़ इतनी गहरी तक जिले में पहुंच चुकी है जिसे उखाड़ना इतना आसान नहीं है। बराहपुर खटकैया करी गहना व बराहपुर काजी और बराहपुर पांडे में आबकारी टीम ने आज अवैध कच्ची शराब की सूचना पर दबिश दी। दबिश के दौरान 100 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई और लगभग 4000 क्विंटल महुआ का लहन नष्ट किया गया है। साथ ही अवैध कच्ची शराब बनाने संबंधी उपकरण नष्ट किए हैं। साथ ही दो अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई। यह सब जिले के अधिकारियों को खुश करने के लिए खानापूर्ति मात्र है। एक ही थाने में बार बार कच्ची शराब पर छापेमारी हो रही है और नतीजा ढाक के तीन पात की तरह ही रह जाता है। प्रातः परशुरामपुर थाना क्षेत्र में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें बराहपुर पांडे खटकहिया करगहना और नरसिंहपुर में सम्मिलित रूप से दबिश दी गई है। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग 200 लीटर शराब बरामद हुई है और 4000 क्विंटल लहन नष्ट किया गया है। सर, क्या इतने बड़ी मात्रा में क्या नए साल के उसमें खपाने के इरादा था क्या? ये हमारे संदिग्ध जिले हैं, चूंकि नदी की तराई है और वहां पे गुंडा का बॉर्डर लगता है, तो उस क्षेत्र में पहले से भी शराब बनने की शिकायत रही है। उसी क्रम में आज प्रशासन, पुलिस और आबकारी द्वारा संयुक्त टीम बनाकर और औचक दबिश की कार्रवाई की गई, और ये चूंकि विशेष अभियान चल रहा है तो आने वाले समय में भी ये जारी रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।